परम आदरणीय हमारे मित्र श्री शैलेन्द्र सिंह साहब, वो जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही एक इस पूर्वांचल की धरती पर विराजमान एक महान कर्मयोगी हैं। यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित वरिष्ठ अतिथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, मुझे इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं सर्वप्रथम तो विलंब से आने के लिए आगे खेद करता हूँ। सुबह लखनऊ से 6 बजे प्रस्थान किया था और रास्ते में कतिपय विलंब की वजह से आधे घंटे लेट हुए। अभी तक हम लोग स्वतः विभिन्न कार्यक्रमों को कराते रहे हैं, आयोजित करते रहे हैं। अवकाश ग्रहण के उपरांत मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का शैलेन्द्र कबीर साहब ने निर्णय लिया तो मेरे लिए एक पहला अनुभव था। हालांकि कई बार ऐसा होता था, हम लोग अपने संगठनों के आयोजन प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग सम्मेलन करते रहे तो उसमें आयोजक के ही रूप में हम लोग ज़्यादा सक्रिय रहते थे और आयोजकों की भूमिका इतनी कठिन होती है कि वो एक दिन पहले से ही सभी चीज़ों में जुटे रहते हैं और वो अतिथियों का कई बार मुख्य अतिथियों का इंतज़ार करते रहते हैं। तो मैंने सोचा तो बहुत था कि इंतज़ार ना करना पड़े मेरी वजह से, लेकिन अल्टीमेटली मैं भी कि कुछ उस किंतु का और अपने मान वह मेरे समझ से विगत मैं कैसा महसूस करेंगे। लखनऊ में सिंह साहब वहाँ भी मिलते रहते हैं, आप यहाँ पे मैं निश्चित तौर पे मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे संबोधन की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं शैलेन्द्र जी से जिस तरह से जुड़ा हूँ, जिस तरह से मैंने इनको देखा है, तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। स्वतः एक टेक्नोक्रेट होने के साथ आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रहे और एक उच्च प्रतिष्ठित संस्थान से आपने अभियांत्रिकी की डिग्री ली और अपने व्यक्तिगत कैरियर पाथ को परसू करने के साथ ही समाज सेवा में एक अपने को समर्पित करते हुए और कार्य करना, ये अपने आप में एक विलक्षण स्थिति है। और इस उनकी प्रतिभा और इस समर्पण को बार बार नमन करने का मन करता है। यहाँ पर उनके साथ सौभाग्यवश होता है कि आप अगर आपकी नीयत साफ हो और आप में दृढ़ निश्चय हो तो कहते हैं कि अकेले भी आप चलिए तो पीछे आप कारवां आपका बनता जाता है। आपके साथ निश्चित तौर पर एक समर्पित टीम है जो उनके साथ कदम से कदम मिला के कार्य कर रही है। खासतौर पर मैं इसमें नाम महेश सिंह साहब का लेना चाहूँगा, वो भी उनको भी मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ अपने दृष्टिकोण से और अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने समाज सेवा का एक जो गुरुतर कार्य किया है वो हम सब लोग जो यहाँ की जड़ों से दूर हैं, गोरखपुर की धरती से दूर हैं, हालांकि आज का ग्लोबल वर्ल्ड है और दुनिया काफ़ी सिमटती जा रही है, फिर भी जो लोग लखनऊ में हैं, दिल्ली में हैं, दूसरे शहरों में हैं, उनके लिए एक देवदूत से कम नहीं है महेश सिंह साहब। और जब भी लोगों को आवश्यकता होती है कि वो अपने माटी से
जुड़े मुद्दों के समाधान की कोई आवश्यकता वो महसूस करते हैं तो उसमें बहरा है वही उसको ठीक ढंग से महसूस कर सकता है, शायद उसको शब्दों में बयान करना या दूसरे लोग जो उनसे अवगत नहीं है उसको नहीं महसूस कर पाएंगे। लेकिन उनका मैं तो कई बार कहता हूँ वो बिल्कुल एक कुल पुरोहित की तरह कार्य करते हैं बहुत से मायनों में, और मैं समझता हूँ कि उसको औपचारिक ढंग से हमारे बहुत से लोग कुछ लोग हल्के फुल्के अंदाज में समाज के सबसे बड़े पंडा उनको कहें या उसको परिमार्जित भाषा में वास्तव में कुल पुरोहित ही कहें तो वो एकदम बेटर शब्द है, समीचीन है, और हम सभी लोग उनको हृदय से इस मौके पर इस मंच पे मैं अपना आभार हार्दिक आभार व्यक्त उनको जरूर करना चाहूँगा। साथ में जो कबीर साहब हैं उनकी मैडम है मैडम गीता सर, आई डोंट नो वो हैं यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उनको भी देखता हूँ कि वो एक जिसको कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो वास्तव में इनके जीवन में मैंने देखा है जिस तरह से वो कदम दर कदम इनको समर्थन देती हैं, साथ देती हैं और इनके हाथ को मजबूत करती हैं अपने कार्यों से अपने समय को निकाल करके, वो वास्तव में अत्यंत ही सराहनीय है और विरले ही देखने को मिलता है। मैं उनकी क्षमताओं का भी एक प्रशंसक हूँ, मैंने उनको देखा है कि किस तरह से इनकी एब्सेंस में अपनी पूरी फैमिली को मैनेज करना देखना और पूरे सक्षमता के साथ, उसमें कहीं भी ये भाव नहीं दिखता है कि वो परेशान हैं या दुखी हैं या हेल्पलेस हैं, और वो एक ऐसी कर्मठ महिला है जिन्हें मैं देख करके कई लोगों को मैं कहता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ढेरों महिलाएँ हैं बहनें हैं, मैं जानता हूँ कि मातृशक्ति ये भारतवर्ष के चरित्र में यहाँ के संस्कारों में यहाँ के थॉट प्रोसेस में यहाँ के विचारों में इस तरह से एम्बेडेड है। हम लोग जानते हैं कि महिलाएं कितनी शक्तिमान होती हैं, उनको इस धरती का जनक भी कहा जाता है मानवता का, वो जैसा चाहें वैसा समाज बनाती हैं बनाने में सक्षम हैं, और ये समाज में जो कुछ भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उसमें मातृशक्ति का ही पूर्ण योगदान होता है। इनफैक्ट पुरुष तो अक्सर सिर्फ सपोर्टिव रोल में रहते हैं, जो कुछ बनाना बिगाड़ना है वो मातृशक्ति के ही हाथों में रहता है, उसका श्रेय चाहे जो ले जैसे ले। कई बार बच्चे हैं घर में वो अच्छा अचीव करते हैं अच्छे मार्क्स लेते हैं तो उनको ये होता है कि मैंने मेहनत किया मैंने पढ़ाई किया, तो ये एक प्रमाद जैसा उत्पन्न होता है, कई बार उनको ये आभास होता है, लेकिन देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से माताओं का ही योगदान रहता है कि वो किस तरह से उनको शेप करती हैं, किस तरह से उनको संस्कार देती हैं, कितने डिसिप्लिन में उनको रखती हैं, कहाँ पर उनको एनकरेज करती हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एनकरेज करती हैं, जहाँ ज़रूरत हो उनको डांटती भी हैं। तो इस प्रतिभा सम्मान के अवसर पर जहाँ खासतौर पर बच्चों को केंद्र बिंदु में रखा गया है उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग जुटे हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ अपना विचार योगदान हम लोग किस तरह से दें इस पर थोड़े से चिंतन के लिए हम लोग आज हैं। तो ऐसे मौके पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मातृशक्ति जो है उसका नमन और उसका जो स्थान है वो सभी के अंदर जरूर यथास्थान रहना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। मैं स्वतः इसी धरती से निकला हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं से पढ़ा लिखा, किंतु पिछले लगभग हमारी जो यात्रा रही राजकीय सेवा की लगभग 40 वर्षों की यात्रा रही, और इस 31 जुलाई को मैं अवकाश प्राप्त किया उनकी सेवा से। बहुत से लोग हालांकि कहते हैं कि आप लगते नहीं हैं, हमने कहा ये तो अच्छी बात है, मगर आप
इतनी लंबी सेवा करके और सही सलामत हाथ पर ठीक ठाक लेके अगर आप अवकाश प्राप्त करते हैं तो ये खुशी की बात है। ये सही बात है कि उसके बाद अब वैसे तो वैसे भी आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। पहले लोग रिटायर होने के बाद बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते थे, बहुत से लोग चार छः साल बाद दिन गिनने लगते थे। कुछ लोग पता चला कि एवरेज एज जहाँ पे 65 साल होती थी, आज की तिथि में मनुष्य की और एवरेज उम्र करीब 75 साल। और जो युवाओं की परिभाषा है उसमें वाकई जो यहाँ पे देहात में कहते हैं साथा तब पाठा, तो यहाँ पे वास्तव में जो युवाओं का लिमिट है एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है और उसके बाद वो सीनियर सिटीजन की लिमिट तो 75 एंड एवर भी है। तो मैं यहाँ पे बहुत से हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं उनको खासतौर पर संबोधित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि समाज के प्रति एक लिमिट होती है। जब आप अपने परिवार के प्रति सीमित रहते हैं या ज़्यादातर फोकस आपको देना होता है, लेकिन एक समय अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करने के बाद एक समय आता है जब अपने को आप ज़्यादा सक्षम महसूस करते हैं, जब अपने समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अपना योगदान आप ज़्यादा उन्मुक्त ढंग से और अपने हिसाब से व्यवस्थित करते हुए आगे सकते। तो मैं अपने को भी ब्लेस्ड फील करता हूँ और एक जीवन की नई पारी शुरू करने के लिए और नए सिरे से अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए, खासतौर पर ऐसे में मुझे शैलेंद्र सिंह जैसे युवाओं का उत्साहवर्धन, महेश सिंह साहब जैसे लोगों का जो सलाह है महत्वपूर्ण, उन सब चीज़ों को समेटते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर मैं पुनः एक बार सभी बच्चों को, सभी माताओं बहनों को, अपने वरिष्ठ और हम उम्र मित्रों को सबको एक बार बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः अपने को रीडेडिकेट करना चाहूँगा इस मौके पर समाज के लिए, इस पूर्वांचल की धरती के लिए। जो कुछ भी हमसे हो पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप पहले आयोजक हुआ करते थे पर अब आप एज अ चीफ गेस्ट हो गए हैं, तो इसी बात पे मुझे एक बात याद आई जो कि अब्दुल कलाम ने कही थी कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हो चुके हैं। तो सर, मुझे लगता है सर का सिग्नेचर अब ऑटोग्राफ में बदल चुका है और सर अब आयोजक से चीफ गेस्ट के रूप में, सफल व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं। जरूर, एक जोरदार तालियां हो जाए इसी बात पे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम गेम को कंटिन्यू करें। मैं शैलेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर वो प्लीज आए और सॉन्ग्स प्ले करें।